जब खूबसूरत हीरोइनों को तांगा और टैक्सी चलाना पड़ी। अदाकारी का शोबा कोई आसान नहीं है। बेपनाह हुस्न से मालामाल फिल्मी हीरोइनों को भी किरदारों में जान डालने के लिए कभी तांगा चलाना पड़ता है तो कभी वो गोलगप्पे बेचती हुई दिखाई देती हैं। कई फिल्मों में इन हीरोइनों को कोयले फरोख्त करते हुए भी देखा गया तो किसी ने खिलौने बेचने वाली लड़की के किरदार में जान डाल दी। बरसगीर पाको हिंद की आलमी शोहरत याफ्ता फिल्मी हीरोइनों ने किरदार में हकीकत का रंग भरने के लिए मुख्तलिफ नौयत के अवामी किरदार अदा किए। सबसे ज्यादा मकबूलियत बॉलीवुड की सदाबहार हीरोइन हिमा मालिनी को उस वक्त हासिल हुई जब उन्होंने सुपर हिट फिल्म शोले में बसंती तांगे वाली का किरदार निहायत दिलचस्प अंदाज में अदा किया। बसंती के साथ उनकी घोड़ी धन्नो भी फिल्म बीनों को बेहद पसंद आई। इसी तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली खूबसूरत फिल्मी हीरोइनों ने भी दिलचस्प और यादगार अवामी नौयत के किरदार अदा किए। अदाकारा मुसर्रत नजीर को फिल्म यक्के वाली में लाजवाब परफॉर्मेंस पर बेहद पसंद किया गया। उन्होंने खातून कोचवान का किरदार उमदा अंदाज में अदा किया। नामवर हिदायतकारा और अदाकारा शमीम आरा ने फिल्म साजिश में ऐसी लड़की का किरदार अदा किया जो गली कूचों में छुरी चाकू तेज करके रोजगार हासिल करती है। सदाबहार अदाकारा शबनम ने फिल्म तलाश में तांगे वाली का यादगार किरदार अदा किया जबकि फिल्म नसीबों वाली में उन्होंने गोल गप्पे बेचने वाली लड़की का रूप इख्तियार किया। अदाकारा नजमा ने सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की सुपर हिट फिल्म लाइसेंस में तांगे चलाने वाली लड़की का किरदार निभाया। अंजुमन ने फिल्म शेर खान और रिश्ता में तांगा चलाया। इसी तरह माजी की सुपरस्टार बाबरा शरीफ ने फिल्म एक चेहरा दो रूप में कोचवान बनी। पाकिस्तानी फिल्मों की हीर अदाकारा फिरदौस ने फिल्म मादा लाल में टैक्सी ड्राइवर के रूप में नजर आईं। इसी तरह फिल्म जिद्दी में खिलौने बेचने वाली लड़की बनी। अदाकारा आलिया भी फिल्म दौलत गैरत में टैक्सी ड्राइविंग की। अदाकारा और हिदायतकारा संगीता ने फिल्म मन की जीत में खिलौने बेचने वाली लड़की के किरदार में हकीकत का रंग भरा। रानी फिल्म बेगम जान में घर घर कपड़े फरोख्त करने वाली लड़की के रूप में नजर आईं। मलका तरन्नुम नूर जहां ने फिल्म नींद में कोयले बेचने वाली लड़की का किरदार लाजवाब अंदाज में अदा किया। सीनियर अदाकारा बहार बेगम ने फिल्म सूरजमुखी में साइकिल रिक्शा चलाया। अदाकारा मुमताज ने भी फिल्म गिरफ्तारी में चूड़ियां फरोख्त करने वाली लड़की का रूप इख्तियार किया। बहार बेगम ने एक फिल्म में साइकिल रिक्शा भी चलाया। अब इस तरह के किरदार नहीं लिखे जा रहे हैं।